हेलो एवरी वन आई होप दैट यू ऑल डूइंग वेल दिस इज मी सैयद शुजातुल्ला वेलकम टू इकरा आई एस करंट अफेयर्स चैनल चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आज का टॉपिक एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है यह एडिटोरियल हर एस्पिरेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस एडिटोरियल डील्स विद पॉलिटी एंड गवर्नेंस टॉपिक और यहाँ पे प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर तक का रिलेशन है ये एडिटोरियल में और ये एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट एजेंसी है लोकायुक्त एन लोपाल ओके okay, एंड इसके कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है विथ रिगार्ड टू केरला गवर्नमेंट सो so इसके पूरे एस्पेक्ट्स अपन देखेंगे ओके कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट्स देखेंगे ओके लीगल एस्पेक्ट्स देखेंगे कंट्रोवर्सी क्यों ही वो सेक्शन क्या था वो प्रोविजन क्या था और किस तरीके से हम इसको एक मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं ये तो हमेशा ही मेरे लेक्चर्स में वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रहती ही है कि बच्चों को जब भी मैं पढ़ाता हूं तो उनको एडिटोरियल समझने से समझने के साथ साथ वो वो एडिटोरियल से से किस तरीके से वो कर सके उनके एग्जामिनेशन में दिस राइट सो लेट इज गो एट आर लोकपाल एंड क्या है टाइमलाइन ऑफ इट्स नॉट एमरजेंसी सी ई सी वॉट इज कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन क्या ये कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजन कौन सा था जिसमें केरला में अपोजिशन वाले बहुत सारे अपोज कर रहे हैं ये एक अमेंडमेंट ओके जो केरला गवर्नमेंट मूव करी है वो क्या है कॉन्ट्रोवर्सी कैन लोकायुक्ता डायरेक्ट गवर्नर टू रिजाइन सी एम क्या लोकायुक्ता गवर्नर को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि सीएम को रिजाइन करो बोलो सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स अच्छे से अपन प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ेंगे प्लीज बी फोकस अच्छे से फोकस से रहिए और समझने की कोशिश करिए बिकॉज दिस इज इट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ओके विध रिगार्ड टू लोकपाल एंड लोकायुक्ता इसमें आपको चैलेंजेस भी मिल जाएंगे और वे फॉरवर्ड भी मिल जाएगा सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग राइट लेट लेटस गो एट तो ये आर्टिकल था ये आर्टिकल था अनटैंगलिंग टैंगलिंग ओके के लास्ट आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ राइट फाइन ये स्टेट में क्वेश्चन का आंसर आप ही देना है द बिल प्रोपोजिंग लोकपाल एंड लोकायुक्ता वॉज इंट्रोड्यूस एंड पास इन इट्स फर्स्ट टाइम इन टू थाउजेंड थर्टीन द लोकपाल एंड लोकतायुक्ता सो मैं इसका आंसर अभी नहीं दूंगा एट द द एंड ऑफ लेक्चर दूंगा। जब तक आप इसके ऊपर वर्कआउट करिए अगर आपको इसका आंसर आ ऑन स्पॉट तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सो so, आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना वॉट इज अंट्रोवर्सी कॉन्ट्रोवर्सी क्या है क्यों ये न्यूज में आया है ओके okay. अमेंडमेंट करे हैं केरला गवर्नमेंट उनके लोकायुक्ता एक्ट को रला गवर्नमेंट का एक खुद का एक लोकायुक्त एक्ट है वो एक्ट को एक अमेंडमेंट लेके आए हैं ये अमेंडमेंट ऐसा है हैज अंडरमाइंड और रिड्यूस द पावर ऑफ लोकपाल रिड्यूस द पावर ऑफ लोकपाल थ्रू अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट्स में जो लोकपाल का जो पावर है ओके जो लोकायुक्त का जो हेड कर रहे हैं लोकायुक्त को उनका जो पावर है ये इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है बॉडी का जो पावर है इसमें इसको अंडरमाइन किया गया है और इनका पावर रिड्यूस किया गया है ओके क्या ये जो ये पावर पहले से था ये पावर निकालने के वजह से ये पावर रिड्यूस करने के वजह से कंट्रोवर्सी क्यों हुई ओके okay. क्या ये सही था या गलत था ये अपने को फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस एडिटोरियल राइट सो केरला गवर्नमेंट हैज मूड अमेंडमेंट ये तो पता है ये अमेंडमेंट से क्या होगा लोकपाल लोकायुक्ता क्या पावर कम कर दिए हैं विद दिस अमेंडमेंट क्या ये अमेंडमेंट जस्टिफाइड है या नहीं है ओके okay, अपोजिशन तो वहाँ पे इस तरीके का रकस रक, मचा ही चुके हैं वहाँ पे वो अपोज कर रहे हैं बिल एनी हाउ और करने वाले भी है आगे जाके बिकॉज ये ऑर्डिनेंस से आया है तो ये सिचुएशन आप एंटिसिपेट कर सकते हैं इन योर फ्यूचर ऑल्सो ये होने वाला है बट ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है क्या ये जस्टिफाइड अमेंडमेंट है या नहीं है दिस इज दी कॉन्स्टिट्यूशन वेलिडिटी अपने को फाइंड आउट करना है ये एडिटोरियम में राइट right? यस yes. प्रोविजन इन द कंटेंशन अभी क्या प्रोविजन है द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड क्लेम्स दैट थ्रू द अमेंडमेंट ए प्रोविजन इन द एक्ट विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ये बोल रही है केला की उनके जो केला लोकायुक्ता जो एक्ट है उसमें एक प्रोविजन है जो अनकॉन्स्टिट्यूशन है किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशन है यह लोकपाल को पावर देता रही लोकपाल को पावर देता कि वो लोकपाल गवर्नर को डायरेक्ट करे कि किसी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर को निकाल दें ओके रिज़ाइन करने के लिए मजबूर कर दें बिकॉज दे आर गिल्टी ऑफ करप्शन अगर चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर अगर करप्शन चार्जेस से गिल्टी हुए हैं तो लोकपाल ओके लोकपाल कैन गिव डायरेक्शन टू गवर्नर टू रिमूव सीएम बिकॉज सीएम को निकालना बोल तो गवर्नर के बिना सीएम नहीं निकल सकता सो सी एम बिकॉज यू नो दैट सी एम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाई द गवर्नमेंट अपॉइंटेड बाई द गवर्नर तो आपको ये भी पता होगा पॉलिटी में आप पढ़े ही होंगे कि गवर्नर जो अपॉइंट करता है वही किसी को निकाल सकता है सो सी एम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाई द गवर्नर एंड दे आर रिमोट बाई द गवर्नर ओनली तो उनकी ही सिग्नेचर चलती है राइट right? तो so, ये केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद साहब सो जस्ट फॉर जी के पॉइंट ऑफ व्यू एम से तो यहां पे इनके पास अगर लोक लोकपाल अगर गवर्नर को ये डायरेक्शन दिए कि केरला के सीएम और उनके मिनिस्टर दे आर चार्ज विद करप्शन और उनके करप्शन के जो जो भी चार्जेस है वो हम इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं और ये सही निकल के आया है कि यस दे आर चार्ज विद करप्शन तो लोकपाल कैन गिव डायरेक्शन टू गवर्नर और गवर्नर उनको रिजाइन करो बोल के बोलना ये जो है केरला गवर्नमेंट इज ये जो बड़ा प्रोविजन है कि

यहाँ पे ऑपोजिशन से भी आ रहा है केरला गवर्नमेंट को कि आप ये प्रोविजन क्यों निकाले और केरला लोकायुक्त युक्त लोकायुक्ता दे आर ऑल्सो लाइक नॉट हैप्पी विद दिस अमेंडमेंट बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है किसी की खुशी के लिए अमेंडमेंट करना या नहीं करना ये बात ये नहीं है इंपॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पे कि ये जो अमेंडमेंट हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है केरला गवर्नमेंट के हिसाब से ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है अब ये किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशन है ये भी हम पढ़ेंगे राइट right. उससे पहले आपको कॉन्ट्रोवर्सी मालूम द कंट्री इंडिपेंडेंस के जब से 1947 के जब से हमेशा से ये डिबेट रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में असेंबलीज में पार्लियामेंट में ये डिबेट हमेशा रहा है कि एक एजेंसी एक बॉडी होना चाहिए जो करप्शन चार्जेस ऑन पब्लिक सर्वेंट करप्शन चार्जेस ऑन पब्लिक सर्वेंट ओके इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक सेपरेट एजेंसी होना बहुत ज़रूरी है सेपरेट एजेंसी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ही नहीं इवन पोलिटिकल जो लीडर्स है ओके okay, जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्ड करते हैं उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए चाहे वो प्यून रहो चाहे वो पीएम रहो तो ये तो हमेशा से ही बात होती थी कि ऐसी एक बॉडी अपने पास चाहिए राइट इन फैक्ट दिस टर्म वॉज फर्स्ट द टर्म लोकायुक्ता एंड लोकपाल द टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हेडेड बाई मोरादी देसाई एज फार बैक एज इन सिक्सटी सिक्स सो इतनी दूर पहले ओके okay, 1966 में ही लोकपाल एंड लोकायुक्त ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कर चुके थे हम हमारे पॉलिटी में एंड टर्म वाज़ फर्स्ट यूज बाय फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम ऑफ अवर कंट्री मोरदी 1977 में रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट स्टार्ट रहे थे अपने पार्टी okay, yeah, हम बीजेपी बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का मतलब है गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट जिस तरीके से हमसे इंटरेक्ट होती हैं पासपोर्ट सर्विसेज के लिए रहो या स्कीम सर्विसेज़ के लिए रहो या गवर्नमेंट की ट्रांस ट्रांसपेरेंसी रहो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रहो गवर्नमेंट की रोल रहो गवर्नमेंट का फंक्शन रहो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्मूथ एंड रिलेशन रहो तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है दोनों के बीच में आपस में और हमारे साथ ये जो भी जो भी ये इंट्रैक्शन हो रहा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लाइक स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट टू सिटीजनस लाइक बी टू सी भी बोल सकते हैं आप तो कि जी टू सी से बोल सकते हैं आप तो ये इंट्रैक्शन किस तरीके से हम बहुत अच्छा बना सकें और अच्छे से क्वालिटेटिव बना सकें

पॉलिटिकल करप्शन था का मतलब है मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री में काम करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज रूलिंग पार्टी को बिलोंग करने वाले रहो ये बहुत करप्शन करते थे ओके okay, तो जब ये सोचा जाता था बहुत सारे लीडर्स और एक्सपर्ट्स है कि एक एम्बर्समेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए बट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिड्रेसल पब्लिक ग्रीवेंसिस अगर किसी सिटीजन uh, से कोई पॉलिटिकल uh, पार्टी रहो रूलिंग पार्टी के फंक्शनरीज रहो ओके सीएम रो, रहो या पीएम रो, या अंडर काम करने वाले मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहो या कैबिनेट मिनिस्टर रहो अगर कि सिटीजन से कुछ ना कुछ वो करप्शन मांगे हैं या कुछ ना कुछ गिफ्ट्स चाह रहे हैं ओके ये ग्रीवियंस गवर्नमेंट के uh, गवर्नमेंट के आगे लाना है गवर्नमेंट के पास लेके आना है तो ये किसके पास जाएगी लोग देखो सीएम तो सीएम का आप देखो आप सीएम अगर करप्शन करे सीएम अगर आप एक इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट है तो आप बोले कि मुझे इतना इतना चाहिए एरिया मैं यहाँ पे एक इंडस्ट्री बनाऊंगा तो सीएम साहब बोले नहीं भाई ये बनाने के लिए तो मैं परमिशन दे दूंगा एक दो सौ करोड़ मेरे अकाउंट में भेज दो अब ये हुआ करप्शन अब सी के ऊपर कंप्लेन कैसे करे आप तो हाई कोर्ट जा सकते हैं बट हाई कोर्ट में ये इन्वेस्टिगेशन करना एक्सेट्रा फिर बाद में वो पॉलिटिकल सेटअप ये क्या है मालूम ये सही तरीके से नहीं जाएगा ओके okay, तो एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट जो कि रिलेशन नहीं रहना चाहिए जिसका सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन नहीं होना चाहिए तो एक ऐसी एजेंसी होना चाहिए जो कि ऐसे केसेस के लिए ऐसे केसेस के लिए वो स्पेशलाइज्ड वे में उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें इंक्वायरी करें तो ये तो हमेशा ही था इसलिए द फर्स्ट बिल ये बहुत नाइनटीन में इसका नाम आया और ऑब्वियसली करप्शन तो बढ़ते ही जा रहा था तो पहला बिल आया था इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विथ रिगार्ड टू लोकपाल 1968 तो ये लैप्स हो गया था ये आगे नहीं बढ़ा था उसके बाद में आपको पता ही है अरविंद केजरीवाल जी का जो भी अभी का जो पोजीशन है वो पोजीशन का जेनेसिस भी हुआ था अन्ना हज़ारे के साथ उनका मूवमेंट था अन्ना हज़ारे जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है सोसाइटी के लिए लड़ते हैं इनो बहुत सारे वेरियस चीज़ों के ऊपर लड़ते हैं बट इनका जो अनशन था इनका जो आ, जो प्रोटेस्ट था ओके okay, जंतर मंतर दिल्ली में ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है और इनके वजह से इनके वजह से क्या हुआ बिकॉज उससे पहले टू जी स्कैम ये सब आ गए थे कांग्रेस गवर्नमेंट में तो बहुत सारा पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के जो भी फंक्शनरीज है मिनिस्ट्रीज थे वो खा लिए थे तो अन्ना हजारे और थोड़े सोशल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ये पूरे मिलकर क्या करें नहीं ऐसी अपने पास लोकपाल लोकायुक्ता लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर मिनिस्टर के अगेंस्ट हम कंप्लेंट uh, कर सकते हैं और वो बॉडी इन्वेस्टिगेट करेंगी वो मिनिस्टर कर, के अगेंस्ट जो जो भी चार्जेस uh, है राइट right? तो अन्ना हज़ारे का मूवमेंट हुआ था तो मूवमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में वही साल वही साल लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट पर्स पास इन द ईयर 2013 तो आपको ये तो समझ में आ गया कि लोकपाल एंड लोकायुक्ता दे आर स्टेटचरी बॉडीज़ लोकपाल एंड लोकायुक्त आर स्ट्रेटरी बॉडीज़ एंड लोकपाल एंड लोकायुक्ता ऐसा नहीं कि पहली बार इसका बिल इंट्रोड्यूस करे और दो में ही इंट्रोड्यूस करे बिल और दो में ही पास हुआ नहीं ये तो ऑलरेडी दो में भी बिल इंट्रोड्यूस करे थे बट पास नहीं हुआ था बट पास नहीं हुआ था ठीक है अभी हम आगे बढ़ते हैं ओके अब ये लोकपाल एंड लोकायुक्ता है क्या द लोकपाल एंड लोक एक्ट डेलीगेट द पावर टू स्टेट्स ऑल्सो टू एस्टैब्लिश बाई लॉ लोकायुक्ता ओके ये एक्ट के तहत यूनियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना है एक बॉडी दैट इज कॉल एस लोकपाल और स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो ए इन्वेस्टिगेटिव बॉडी अगेंस्ट द चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू चीफ मिनिस्टर्स पब्लिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा तो स्टेट गवर्नमेंट्स कैन एस्टैब्लिश लोकायुक्ता लोकायुक्ता दोनों का काम एक ही है लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट के एंप्लॉज पीएम ओके okay, और पूरे सेंट्रल सेंट्रल रिलेटेड जो भी फंक्शनरीज है उनके करप्शन चार्जेस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा लोकपाल लोकायुक्त सीएम उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज है उनके ऊपर जो भी करप्शन चार्जेस है वो इन्वेस्टिगेट करेगा तो ये पर्टिकुलर एक्ट है लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट से दो इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज बनाना है एक वन एट सेंटर अनदर वन इज एट एट स्टेट ओके इट दिस एक्ट डील्स विद कंप्लेन रिलेटेड टू करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज सम समेट ये रहने ये बिल से पहले ही ये एक्ट से पहले ही ऑलरेडी दिस पर्टिकुलर लोकायुक्ता महाराष्ट्र में 1971 में ही बन गया था केरला में 1999 में ही बन गया था तो यहीं पे हुआ है केरला का जो लोकायुक्ता एक्ट 1999 में एक प्रोविजन क्या था हम ऑलरेडी पढ़े क्या था प्रोविजन ये प्रोविजन क्या था बोले तो लोकायुक्ता अगर सी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर फाइंड गिल्टी ऑफ करप्शन चार्जेस ओके लोकपाल कैन डायरेक्ट गवर्नर उनको रिजाइन करो बोल के लोकपाल कैन से टू दी गवर्नर कि सीएम को रिजाइन करने लगाओ आप बोल के तो लोकपाल इज गिविंग डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट आप सीएम को निकाल दो राइट तो ये प्रोविजन को अमेंड करके ओके okay, अभी व्हाट इज अमेंडमेंट अमेंडमेंट अभी तक मैं आपको बोला नहीं सस्पेंस में रखा ओके okay. uh, क्यों अमेंडमेंट क्या था पहले जब uh, लोकपाल जो भी डायरेक्शन uh, देते थे, थे गवर्नमेंट को गवर्नर को गवर्नर को तो वो बाइंडिंग था गवर्नर के ऊपर क्या था बाइंडिंग था बाइंडिंग मीन्स ये जो डिसीजन देते थे गवर्नर वो इम्प्लीमेंट करना था अभी जो अमेंडमेंट आया है अगर लोकपाल कुछ भी रिकमेंड करेंगे डायरेक्शन देंगे गवर्नर को वो सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर रहेगा कैसा रहेगा एडवाइजरी इन नेचर सो फ्रॉम बाइंडिंग टू इट बिकम व्हाट एडवाइजरी इन नेचर एडवाइजरी इन नेचर ओके और वो सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करना भी है सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करना भी है ठीक है सो दिस इज दी अमेंडमेंट तो यहां पे क्या हुआ लोकपाल का जो बाइंडिंग नेचर है ना तो उसको एडवाइजरी बना दिए तो लोकपाल वाले लोकायुक्त वाले दे आर नॉट हैप्पी हैप्पी वाले दे आर नॉट नॉट आई आई कैन यूज दिस लोकपाल एम यूजिंग इंटरचेंजेबली सो दैट्स एन इशू तो लोकायुक्ता यहाँ पे थोड़ा बहुत उनको अच्छा नहीं दिखा कि उनके पावर्स थोड़े बहुत घट घट गए हैं यहाँ पे राइट right. और ओपोजिशन भी यही बोल रही है कि एक्चुअली ये क्यों अमेंडमेंट क्यों आया ये अमेंडमेंट का टाइमिंग भी सही नहीं था क्यों नहीं था मालूम देर इज ए करप्शन चार्जेस एलिगेशन से सी एम ऑफ केरला पनीर विजयन आई आई डोंट रिमेंबर द नेम प्रॉपरली बट उनके ऊपर

okay and also the state with regard to lokpat Thus the lokpal is conceived of a body which will inquire into allegations of corruption allegations of corruption it is basically a investigative body whose task is to conduct conduct prompt and fair investigation and prosecute is nothing but start karo inke against proceedings inke against kya karo proceedings start karo charges start karo investigation fair investigation and prosecution of cases of corruption lokpal is

दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट यूर इंट्रोडक्शन ऑफ यूर मेन्सर है राइट चलो वर्किंग मैकेनिज्म और पावर भी देखेंगे लोकपाल एंड लोकायुक्ता का आप इंट्रोडक्शन उनके बारे में लिखने के बाद यू शुड से दैट इट इज हैविंग ए इंक्वायरी विंग एंड प्रोसिक्यूशन विंग इंक्वायरी करना है वो चार्जेस सही है नहीं है अगर चार्जेस प्रूव हो गए तो ये कोर्ट में स्पेशल कोर्ट में जाना है स्पेशल कोर्ट में जाके इसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू करना है तो यहां पर सीएम अगर सीएम यहां पे गिल्टी फाउंड हुए तो सीएम के जो एडवोकेट जनरल रहेंगे वो उनसे उनके आ, केस लड़ेंगे और वहां से लोकपाल के जो एडवोकेट्स रहेंगे वहां से केस लड़ेंगे तो ये वहां पर स्पेशल कोर्ट्स में ये पूरा प्रॉपरली

ये लोकपाल लोकपाल और रहो या लोकायुक्त रहो ये इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज़ है और ये इन्वेस्टिगेट ये करने के बाद में इनके जो भी चार्जेस प्रूव होते हैं ना ये चार्जेस कहाँ पे लिखे हुए हैं ये चार्जेस लिखे हुए हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लिखे हुए हैं विराट दिस मेंशन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में यहाँ पे चार्जेस मेंशन है तो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अलाइन होते हुआ ये लोग चार्जशीट फाइल करेंगे कोर्ट में ओके हाव हाव लोकपाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकपाल है डज नॉट हैव द power टू ask प्रेसिडेंट टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस यहीं पे पूरा खेल है यहीं पे पूरा खेल है जब लोकपाल यूनियन गवर्नमेंट का है ना लोकपाल इज ए इन्वेस्टिगेगेटिव एजेंसी विच शुड बी एस्टेब्लिश बाई यूनियन गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट में ये प्रोविजन ही नहीं है कि अगर लोकपाल अगर पी को गिल्टी फाउंड करा अगर लोकपाल पी को गिल्टी फाउंड करा विद रिस्पेक्ट टू वाट करप्शन तो लोकपाल के नॉट डायरेक्ट द प्रेसिडेंट टू रिमूव पीएम बट केरला के जो एक्ट में केरला के जो पुराने जो एक्ट था केरला लोक एक्ट ऑफ नाइन्टीन नाइन्टी नाइन उसमें यह प्रोविजन था कि अगर सी एम से गलती हुई सी एम से गलती हुई और सीएम के चार्जेस ऑन करप्शन प्रूव हो गए तो लोकायुक्ता कैन डायरेक्ट वॉट गवर्नर टू रिमूव टू रिमूव द सी एम तो केरला गवर्नमेंट इज सेंग दैट लोकपाल में ही वैसे प्रोविजन नहीं है हम क्यों रखें वो प्रोविजन्स हम क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट का जो लोकपाल है उसमें ही वो प्रोविजन नहीं है हम क्यों रखें प्रोविज़न इसलिए हम भी निकाल दिए और बहुत सारे स्टेट में ये प्रोविजन नहीं है हम नहीं रखेंगे ये प्रोविजो बेसिकली so, केरला गवर्नमेंट का अमेंडमेंट सही था क्योंकि ना यूनियन गवर्नमेंट के पास है वैसा प्रोविज़न ओके के ना कोई अदर स्टेट्स के पास है वैसा प्रोविज़न क्योंकि केरला का लोकायुक्त पहले बन गया था 2013 से पहले तो वो लोग बहुत स्ट्रिंजेंट बना दिए थे उसको ओके टू कंट्रोल करप्शन बट उसके बाद में जब लोकपाल एज ए लोकपाल तो था ही नहीं पहले लोकायुक्ता ही था लोकपाल तो 2013 में बना जब लोकपाल बनने के बाद में यूनियन गवर्नमेंट ही वो पावर्स वो वो प्रोविजन सही नहीं समझती यूनियन गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स ही वो प्रोविजन सही नहीं समझते तो हम क्यों रखें बोल के ये भी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेके आके ये अमेंड कर दिए हैं एक्ट को जिसमें बाइंडिंग नेचर से एडवाइजरी नेचर बना दिए हैं और अगर चार्जेस मिनिस्टर्स के अगेन प्रूव होते हैं लो, लोकायुक्ता के नॉट डायरेक्ट गवर्नर टू रिमूव दम तो ये एक्चुअली में सही हुआ था बट टाइमिंग गलत थी क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन चल रहे थे नाउ नाउ केरला लोकायुक्त एक्ट बिफोर अमेंडमेंट कैसा था बिफोर अमेंडमेंट जो ये अभी अमेंड नहीं हुआ था सेक्शन 14 सेज इफ लोकायुक्त इज सेटिस्फाइड विद द चार्जेस कैन एज द पब्लिक सर्वेंट इवेंट द सीएम टू रिजाइन

तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट लोकपाल को ऐसा कुछ हम दिए नहीं पावर तो फिर वो प्रोविजन से वो प्रोविजन अमेंड करने में कुछ गलत बात नहीं है ओके okay. अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ सीएम सीएम का पोस्ट रिमूव सीएम को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अपने थोड़े प्रोविजन से उससे हटके आप नहीं कर सकते पहली बात तो अगर सीएम की जो पार्टी है माइनॉरिटी में आ गई नथिंग बट सीएम इज नॉट इनजॉइंग मेजोरिटी इन द हाउस uh, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा वेरी कॉमन है अगर सी एम और काउंसिल मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रूव हो गया तभी भी, भी रिजाइन करना है ओके सी एम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एन्जॉय पावर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर इन अलाइन विथ अबर्ट अदर टू अगर ये दो नहीं है ये दो सही चल रहे तो दे विल ऑलवेज एन्जॉय दी गवर्नर वट असेंट टू कंटिन्यू द गवनमेंट अगर ये दो नहीं रहे तो, तो ही गवर्नर को डिसप्लेजर होता अगर ये दो रहे तो गवर्नर इज ऑलवेज अंडर प्रेजर नहीं नहीं सही चल रहा है लाइक दैट ओके और चीफ मिनिस्टर इज डिस्कालीफाइड फ्रॉम बींग ए बीँग ए पार्ट ऑफ द हाउस बिकॉज ऑफ द क्रिमिनल चार्जेस एंड सेंटेंस टू तो नॉट लेस देन टू ईयर्स दो साल से ज्यादा अगर सीएम को कोई कोई केस में दो साल से ज्यादा अगर आ, सजा हो जाती है ओके okay, सजा हो जाती है तब भी सीएम डिस्कवालीफाई होते उनको रिजाइन करना पड़ता है ओके okay. तो ये है अपने कॉन्स्टिट्यूशनली सीएम को कैसा निकाल सकते ये प्रॉपरली प्रोविजन है मगर ये कहाँ से आ गया लोकायुक्ता बोलेंगे गवर्नर को रिमूव कर दो ये इनके ऊपर अलग चाहते तो ये तो प्रोविजन था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में सो so, ये दो जो प्रोविजन यहां पे तीन प्रोविजन है एक दो तीन प्रोविजन है ये प्रोविजन के हटके अगर कोई और प्रोविजन कोई और वे में अगर सीएम को निकाल रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है सो यू के नॉट इट हो सकता तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशन पढ़ लिया अपन लीगल इंप्लीकेशन भी पढ़ लिया अपन ओके हाईकोर्ट ही कर सकता ये सब ये लोकपाल इन्वेस्टिगेटिव ही बॉडी है इट्स नॉट ए

जब सी एम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट गवर्नर से आए हैं तो वो ही नहीं कर सकते लोकपाल बॉडी देंगे क्या गवर्नर को अभी डायरेक्शंस uh, की आप इनके ऊपर चार्जेस करो करो आ, ये तो पूरा गवर्नर का पोजीशन को ही अंडरमाइन कर दिए जैसा हो जाता एंड इट इज अ एशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है दिस इज ऑल अबाउट इट नाउ चैलेंजेस इन दिस एक्ट ठीक है पहली बात तो ये एक्ट में पब्लिक सर्वेंट वर्ड यूज किया गया है पब्लिक सर्वेंट वर्ड यूज किया गया है ओके okay. दिस एट इज एबलीविकबल ओनली टू पब्लिक सर्वेंट बट नॉट टू पोलिटिकल ऑफिस बेर थोड़े पोलिटिकल ऑफिस बेर जैसे कि प्रेसिडेंट होते हैं जैसे कि बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा जी हैं ओके इस तरीके से एक पोलिटिकल पार्टीज़ के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऐसे रहते हैं ना ये भी कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन पर सेक्रेटरी वो ये बन जाते हैं तो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट ही यूज़ किया गया है पोलिटिकल ऑफिसर ऑफिस ब्यूरो जो भी बेरर्ट्स हैं वो यूज़ नहीं किया गया है पोलिटिकल ऑफिस ओके कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर की सी एम की पोस्ट मिनिस्ट्रीज ये कवर नहीं किया गया है

प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये भी हाईकोर्ट ही देखेंगी ना तो इनके पास क्लोज करने का तो पवर ही नहीं है राइट सो दिस इज नॉट पॉसिबल लोकपाल एंड लोक आर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी दे के नॉट क्लोज द केस ऑफ क्रिमिनल इन नेचर ऑल बाई इट सेल्फ फिर हाईकोर्ट जाना पड़ता तो यही पूरा खत्म करते हाईकोर्ट की क्या जरूरत है राइट ऐसा नहीं हो सकता कि अल्टरनेटिव आप इनको इतने पावर दे नहीं सकते कि यही केस बुक करें यही केस डिस्चार्ज कर दें यही पेनिशमेंट दे दिए फिर कोर्ट्स किसके लिए है तो ये भी एक चैलेंज है नॉट बी ए कोर्ट क्लोज द करप्शन केस अंडर एनी सर्कमटांसेस कौन से भी सरकम चासेस और लोकायुक्ता के पास वो कैपेसिटी ही नहीं है बेसिकली उनका बेसिक स्ट्रक्चर में ही वो कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी के ऊपर चार्ज करके इनको सेंटेंस करे दो चार्ज पांच सेंटेंस करे, वो क्लोज क्लोज केस ही नहीं कर सकते ये पावर्स पूरे हाई कोर्ट के पास है सो दीज आर दस चैलेंजेस दैट आर देर इन दी दैट आर देर इन द एक्ट नाउ कंक्लूजन क्या लिखेंगे आप द दरल लोकायुक्ता एक्ट शुड बी री ऑफ ऑफ असेंबलीज

ओके okay, कमेटी बना के उसके ऊपर डिस्कशन करके अच्छे से ला लेके आओ क्योंकि कल को आप भी पावर में आएंगे तो आपका भी होगा वो वही तरीके से चलेगा तो इट्स नॉट अबाउट कि किसी के ऊपर क्या एलिगेशन है आप एक कमेटी बनाइए कमेटी बना के इस उस, उसको फिर से री एग्जामिन करिए और लोकपाल जो यूनियन गवर्नमेंट के पास जो लोकपाल एक्ट पास हुआ है वो मॉडल एक्ट के तरह उसको एग्जाम्पल लेते हुए आप एक्ट को री एग्जामिन करके अच्छे प्रोविजन्स लेके आइए बेसिकली ऐसे प्रोविजन्स होना चाहिए जो कि करप्ट ऑफिशल को पकड़ना है